नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बेसन की भरवा मिर्ची। बेसन की भरवा मिर्ची बनाने के लिए हमने इस प्रकार से कुछ मिर्चियाँ ली हैं और इनको बीच में से इस तरीके से इनमें कट लगा दिया है, देख सकते हैं आप। इसके लिए मैंने बेसन को 1 कप बेसन को अच्छे से स्लो गैस पे सेक के रख लिया है। इसमें अब हम मिलाने जा रहे हैं कुछ मसाले, जैसे अजवाइन, थोड़ा सा 1 चुटकी हींग, नमक स्वाद अनुसार, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर क्योंकि ये मिर्ची तीखी नहीं होती, हल्का धनिया पाउडर। और इन सब मसालों को हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और इस मिर्ची के अंदर भरेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने एक पैन में तेल गरम कर यहाँ पे हमने पैन में तेल गरम किए रखा है जो हमारा लगभग हो चुका है। अब हम मिर्चियों को भरते जाएंगे और पैन के अंदर डालते जाएंगे। आप चम्मच की मदद से भी भर सकते हैं और हाथ से भी भर सकते हैं क्योंकि ये मिर्ची स्पाइसी नहीं होती है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके से। मैंने क्वांटिटी ज्यादा ली है, आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने मिर्चियों को भर के इस तरीके से इस पैन में डाल दिया है। अब इनको हम सिलो सिलो चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तो अगर हम मसाला थोड़ा सा हमने मिर्चियों के ऊपर भी डाल दिया है जिससे ये ज्यादा अच्छी दिखेंगी। हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे स्लो आंच पे जिससे हमारा बेसन जो है जले नहीं और मिर्ची भी ना जले। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे और हमारी मिर्ची लगभग तैयार होने को ही है, 2-3 मिनट और लगेंगे। हम इसको इसी तरीके से हम पका रहे हैं। इसमें हमने तेल का प्रयोग बहुत कम किया है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी मिर्ची बिल्कुल तैयार हो गई है। इनको पकने में 5 से 4 मिनट लगे और इनको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारी गर्मा गर्म मिर्ची तैयार है, इनको खाने के साथ सर्व करें। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस पे नींबू भी छिड़क सकते हैं।